ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके, देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इनलो हो, या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है, इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है, इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपने अंतिम श्वास ले रहा है। ये आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा, जब देश में रहते हैं उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लो है, आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है।